ये जो आपके सामने वाशिंग मशीन है, वर्लपूल की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसका क्या होता है, गियरबॉक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं मैं आपको वो दिखाऊंगा, फिर उसके जो मतलब कंप्लीट तरीके से आपको किस तरीके से आपको इसको ओपन करना है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ध्यान रखना ये जो है जैसे आप LG का आप जो है LG या सैमसंग का करते हैं वो ईजिली ओपन हो जाता है, बस इसका क्या होता है थोड़ा डिफरेंट होता है किस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे, किस तरीके से आप हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात से रखना है। और आपको क्या पे मतलब जो है इसमें जब आप ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाई स्टेप गाइड कर दूंगा। तो अभी क्या है फिलहाल हमने इसका जो वॉशिंग मशीन है इसका हमने केवल जो इसकी वायरिंग वगैरह है वो सब हम डिस्कनेक्ट कर दिए और इसका जो ड्रम है वो हमने निकाल दिया। इसका गियरबॉक्स ऐसे ओपन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या है इसकी आप बैरिंग वगैरह निकालेंगे, इसकी लेगें निकालेंगे, उसके बाद इसको क्या है ओपन करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मैंने क्या है टाइम ज़्यादा जाया होगा इसलिए वीडियो वैसे भी लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको ड्रम निकाल के सब दिखा दूंगा। ठीक है, वायरिंग वगैरह तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है अगर आप इसकी मोटर खोलेंगे या बेल्ट खोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है एक पुली होती है एक मोटर होती है और इसमें क्या यही आपको इस तरीके से बेल्ट मूव करके निकाल देना है, इसकी पुली निकाल देना है। इसका नट हमने ऑलरेडी पहले ओपन कर रखा है और यहाँ पे क्या होता है ट्रेन मोटर होती है और ट्रेन असेंबली भी होती है। ठीक है, इनको लॉक को आपको प्रेस करेंगे इस तरीके से, ये जो होता है आप इस तरीके से चारों लॉक एक ही साथ प्रेस करेंगे तभी ये बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर एक भी लॉक टूट गया फिर दिक्कत आएगी। तो आप चारों लॉक चारों उंगली से करेंगे और उसके बाद इसको ऊपर ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये जो है आपका रिंग आ गया, उसके बाद ये जो है स्लाइड रिंग हो गया, उसके ऊपर जो होता है एक आपका रिंग होता है जो कि इसके ट्रेन कॉक में लगा होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये फिलहाल है इसके अंदर ही लगा होता है वो जो रिंग होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वाला जो है ऊपर प्रोटेक्शन कवर के लिए होता है क्योंकि ये बाहर ना निकले। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं ये लोग सारे, इसी में फिट होते हैं। अभी फिलहाल क्या है हम इसको ओपन करेंगे A to Z हर एक चीज़। और इसका स्प्रिंग होता है वो भी आपको ध्यान रखना है कि एहतियात से बाहर निकालना है, जिस तरीके से आप स्प्रिंग को निकालेंगे उसी तरीके से आप इसको टाइट करेंगे। तो इसको क्या करना है इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ये वाला जो स्प्रिंग है लॉक में फंसा होता है, आप इस तरीके से हल्के हल्के इसको मूव करेंगे ऊपर की साइड फिर ये आ जाएगा। इसको जो स्प्रिंग है जब आप फिट करेंगे उस समय भी आपको ध्यान रखना है, बहुत एहतियात से फिट करना है। जब मैं आपको फिट करके दिखाऊंगा उस समय आपको बता दूंगा। तो इसका जो पतला वाला साइड होता है वो नीचे की साइड होता है, जो बड़ा वाला साइड होता है वो ऊपर की साइड होता है स्प्रिंग का। ठीक है, मतलब जो होल पतला होता है मतलब छोटा होता है वो नीचे की साइड आता है और जो होल बड़ा होता है वो ऊपर की साइड रह जाता है। तो इसको आराम से आपको स्लाइड करके ऊपरी ले लेना, हल्के हल्के ऐसा ऐसा स्लाइड करेंगे और उसके बाद जो है इसके लॉक बाहर आ जाएंगे। जब लॉक बाहर आ जाएंगे तो ये स्प्रिंग बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर स्प्रिंग आपका ख़राब होता है तब भी ये स्प्रिंग बॉस काम नहीं करती, क्योंकि स्प्रिंग अगर अच्छे से प्रेस नहीं हुआ फिर भी ये काम नहीं करेगी। अदरवाइज़ अगर इसमें ग्रीस वगैरह नहीं लगा होता है ठीक से फिर भी ये मतलब आवाज़ करता है, साउंड करता है स्प्रिंग इसका, अगर बिल्कुल ही ये इसमें स्प्रिंग वो ग्रीस नहीं हुआ तब। तो इसको आप इस तरीके से हल्के हल्के पुश करेंगे ऊपर की साइड और ये आ जाएगा, वहाँ निकल जाएगा आराम से। तो इस तरीके से आपको स्प्रिंग को निकालना है और उसके बाद जो है इसका मोटर वगैरह है वो कैसे आप नट इसके ओपन करेंगे वो भी आपको तरीका बताऊँगा। सबसे पहले क्या करना है, दो नट लगे होते हैं दोनों को आपको ओपन करना है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें क्या है गोटी कितने mm की लगेगी, मतलब आप जब गोटी लेंगे तो क्या साइज़ रहना चाहिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है 13 mm की गोटी है, मतलब 13 mm की गोटी है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। सारे नट 13 mm या 8 mm या 10 mm के ही हैं, ये तीन गोटियों के साइज यूज होंगे, अदरवाइज आप इस तरीके से सारा ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो गोटी हैं 8 mm है 10 mm है और 13 mm, यही गोटी यूज होती है। तो आपको क्या है इस तरीके से आपको मोटर ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या जो भी आप नट रखेंगे प्लेट वगैरह या किसी चीज़ में रखें जिससे कि मैं आपके नट गुम नहीं जाए। ठीक है, वरना दिक्कत होगी बात हो बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको ओपन करना, और ध्यान रखना आपको जब मोटर फिट करेंगे तब भी आपको बड़ा एहतियात से फिट करना है, ऐसा नहीं कि आपकी बेल्ट टाइट हो या बेल्ट लूज हो, वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा, उसकी टेंशन ना लें आप। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हमने इसकी मोटर जो है वो ओपन कर रखी है और उसके बाद जो है इसकी क्लिप वगैरह है जो आप नो प्लस की वजह से इसको दबाएंगे और उसके बाद जो है इसकी वायरिंग निकल जाएगी इस तरीके से। दोनों इसी तरीके से आपको प्रेस करना और इसी तरीके से आपको लगा देना ये लॉक। ठीक है, मोटर आपके बाहर आ गई, मोटर आपको सेट कर देना है, सेट से रख देना है। उसके बाद बात करते हैं कि ऊपर की इसकी एक प्लेट होती है जिससे कि इसमें आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जंक आ गया, इसी वजह से ये साउंड कर रहा था। चार लेगें होती हैं, इनको आपको निकाल देना है और एक इसमें कैप होती है, ये आप देख रहे हैं कैप, ये कैप होती है, इस कैप को भी रिमूव कर देना है। तो फिलहाल अभी क्या है हम इसको जो है अच्छे से सारे नट ओपन करके
इस तरीके से सारे नट ओपन कर देंगे और उसके बाद ओपन करके हम एक साइड रख देंगे और ऊपर की जो प्लेट है वो निकल जाएगी। ऊपर की प्लेट जो होती है इसमें बैरिंग लगा होता है, अगर आपकी टफ निकलती है तो उसका भी मैं तरीका बता दूंगा कि आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो गियर बॉक्स होता है एक तो टाइम टेबल से सर्विस नहीं कराते हैं कस्टमर, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा जंग आ जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन हो जाता है, इकट्ठा जमा हो जाता है, इस वजह से हमें ओपन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब हम ओपन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें मशीन में मतलब कुछ चीज़ टूटने का डर रहता है। ज़्यादातर इसमें जो मटेरियल यूज होता है लोहा बहुत कम होता है, जैसे ऊपर की प्लेट है, अदरवाइज़ अंदर जो है इसकी एक चौकी टाइप होती है वो भी डेकचून की होती है, एक स्टार होता है वो भी डेकचून का होता है, तो वो टूटने के डर रहते हैं। हालांकि टूटता नहीं है मगर फिर भी थोड़ा एहतियात से करने की काम, तो उम्मीद है निकल जाएगा। बट एक चीज़ तो टूटी जाती है वो भी आपको बताऊँगा, फिलहाल इसका वेट है, वेट आपको ओपन कर लेना है। इस मॉडल में क्या हुआ है, इस पिन में नीचे भी वेट दिया है, तो आपका वेट ये होता है डिसबैलेंस ना हो मशीन, अगर ये क्रैक हो जाता है फिर भी साउंड करती है मशीन। तो यहाँ पे क्या है, हमने इसको ओपन कर रखा है और उसके बाद जो है इस प्लेट को हमें लेना है बाहर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रेन मोटर ओपन करेंगे, ड्रेन मोटर जो पानी वाली मोटर होती है उसको। तो ड्रेन मोटर में तीन स्क्रू होते हैं, वो आपको रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, एक ये होता है और एक होता है साइट, और जिस तरीके से आप ओपन करेंगे उसी तरीके से आप चाहे पहचान माला लें या फिर आप कोई कैप्चर फोटो ले लें, जिससे कि आपको फिट करने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमने क्या है, हम बहुत सारे मॉडल ये ज़्यादातर गियर बॉक्स मिल रहे हैं, हम ओपन करते हैं चेंज करते हैं तो हमें ध्यान रहता है, बट आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या फिर आपको ध्यान नहीं रहता है तो उस समय आप क्या करें, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या थोड़ी सी वीडियो बना लें, जिससे कि आपको ध्यान रहे, बाद में फिटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको एहतियात रखना है कि हमें जो है एकदम केयरफुली काम करना है, और इसको भी एहतियात रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर इंस्टॉल की है कंपनी ने, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमने क्या है, इधर से हमने इसको ओपन कर लिया, बाकी इसके जो दो नट रह गए इस प्लेट के ऊपर वाली के, तो हमें इसको भी मतलब निकाल देना है, ये दोनों नट ओपन कर देना है। और उसके बाद जो होता है, इसमें छः नट होते हैं टोटल, चार नट होते हैं हमारे प्लेट के, दो नट होते हैं इसके बेट के, जो बेट रखा होता है ऊपर उसके। तो यहाँ से क्या, हमने इसके नट को ओपन कर लेना, और उसके बाद जो है इसकी जो प्लेट है वो हमें बाहर की साइड ले लेनी है, ठीक है। बाहर की साइड अगर ईजिली आती है तो ठीक है, वरना आपको टोका पेटी करना पड़ेगी, क्योंकि चेन हथौड़े का यूज़ करना पड़ेगा तब ये होगी। बट उससे पहले क्या होता है, हम इसकी ड्रेन कॉक जो है वो हम इसको निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें भी ड्रेन कॉक में क्या होता है, ये जो दिख रहे हैं आप, ये ट्रेन मोटर में लगी होती है, और यही जब ट्रेन मोटर खींचती है तो इसके बाद ये पानी आउट हो जाता है यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल क्या है, इसके मोटर में क्या है, दो स्क्रू यहाँ पे होते हैं, एक साइड से होता है, वो मैं आपको दिखा दूँगा साइड वाला, जिससे कि दिक्कत ना हो। मैंने क्या है, पेचकस में जो है हमारा ग्रीस लग गया था बहुत ज़्यादा, इसलिए कपड़े का यूज़ किया है जिससे कि ईजिली खुल जाए। तो यहाँ पर क्या है, इसकी जो पेच है वो हमने खोल दिए, बाकी एक और रह गया है इसको भी खोलना है, और एक साइड से रह गया जो प्लेट की साइड पे लगा होता है, जो ऊपर जो प्लेट लगी है उस साइड लगा होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है, ये जो है इस तरीके से लगा होता है। उसके बाद क्या है, आपकी ट्रेन असेंबली जो है पूरी निकल जाएगी, और आप निकाल के साइड से रख दें और उसके अंदर देख लें, अगर कोई कचड़ा वगैरह हो तो उसको भी साफ कर दें, मतलब डस्टी हो जाती है, पानी जब यहाँ से निकलता है तो कुछ कण रह जाते हैं, वो आपको नीट एंड क्लीन कर देना अच्छे से जो आप फिट करेंगे तब। तो फिलहाल अभी क्या है, हमने इसको निकाल दिया, और उसके बाद जो है इसका एक स्प्रिंग होता है, ये भी आपको निकाल देना है इस साइड, ये देखें, इस तरीके से आपको स्प्रिंग को भी निकाल देना है। तो फिलहाल ये निकल गया आप देख रहे हैं, और उसके बाद जो है इसको हमने ओपन कर लेना है बाहर की साइड, तो ये जो है हमने निकाल देना है। और अब प्लेट की बारी है, फिलहाल इसको तो पूरा ही हम निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आप फिट कर सकते हैं इजीली तरीके से। फिलहाल देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा डस्टी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तभी पानी भी रुकता है कभी कभी। तो फिलहाल इसको क्या है, निकालेंगे इसको, तो ईजिली तो निकल नहीं सकता, तो आप चेन या थोड़ा मार दें, क्योंकि हमें बैरिंग वैसे ही चेंज करना है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टेको पेटी से निकल जाता है, तो बैरिंग जो है इसके नीचे ही रह गया है, तो हम न्यू बैरिंग इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैप लगी होती है, इस कैप को बहुत ईजिली निकालना है, और इसमें क्या होता है, एक कटिंग होती है आप देख रहे हैं, और एक रेज़र होती है रबड़, इसको भी आपको निकालना है बहुत एहतियात से, इसी तरीके से आपको फिट करना है। इसमें एक कटिंग दी जाती है तो वहाँ पर रबड़ आएगी, जाहिर सी बात है, तो आप उससे चेक कर सकते हैं।
तो ये जो बाहर बाहर आ गई, इसको आपको संभाल के रखना है और उसी तरीके से आपको फिट करना है। उसके बाद जो है इसका क्लिच, क्लिच क्या होता है, जो हमारा जब ट्रेन मोटर चलती है तो इसको ये अपनी तरफ खींचता है, वही होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, उसके बाद ईजिली तरीके से बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा आप ऊपर कर लें इसको, फिर आराम से आ जाएगी, और कभी भी आप ओपन करेंगे तो ईजिली तरीके से खुल सकता है। तो यहाँ के इसके लॉक प्रेस करके इसको निकाल सकते हैं ट्रेन मोटर को, उसके बाद जो है इसका जो क्लिज है वो भी निकाल दें। अच्छा, क्लिज जब आप फिट करेंगे तो आपको एक चीज़ का और एहतियात रखना है, जब आप फिट करेंगे तो इस पर भी ग्रीस लगा देंगे क्लिज पे। क्लिज पे क्या होता है, कार्बन हो जाता है, तो थोड़ी साउंड करता है, थोड़ा आवाज़ करता है, तो वो आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आप कार्बन जो है उसको साफ़ करके इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, या फिर ऑयल लगा सकते हैं, या फिर कोई ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे कि ये स्मूथ तरीके से रन करें। उससे क्या होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, और आप आराम से काम कर सकते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है इसको, क्लिस को, और ये थोड़ा टफ होगा, अगर ऊपर आ जाता है तो ज़्यादा टफ नहीं होता है, मतलब जो गेयरबॉक्स से ऊपर आ जाता है ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो ईजी तरीके से ओपन हो जाता है। तो आप जब फिट करेंगे तब भी ऊपर करके थोड़ा फिट करेंगे, और जब निकालेंगे तब भी ऊपर करके फिट कर निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है ये चीज़, और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐसे उठा देना है इस तरीके से, ठीक है। ये पतली होती है, इसकी एक जो लेग होती है पतली होती है, इसी में ये क्लिस फंस जाता है, मतलब ये जो है ग्रिपिंग इस तरीके से फंसी होती है इसमें, ये आप देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको फिट करनी है। तो बाकी लेगें क्या होती हैं, एक में कटिंग होती है तो इसमें कैफ आ जाती है, और जो सबसे पतली होती है उसमें क्लिस आ जाता है, और दो होती हैं वो सेम होती है, तो ये दो डिफरेंट होती है। तो आप इस तरीके से आपको पहचान कर लेना। यहाँ पे स्टार मैंने वो ओपन कर दिया है, इसके नट ओपन कर दिए, बाकी स्टार जो है उस ड्रम में, ये ड्रम बाहर निकाल दिया, मतलब एक ड्रम अंदर होता है, जब हम स्पिन करते हैं पूरा ड्रम घूमता है, तो ये वाला स्टार है। तो हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा ऐसे डाला है जिससे कि इसमें क्या है, ओपन करने में आसानी हो जाए। अगर आसानी होती है ठीक है, वरना हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है जकड़ जाता है, बहुत ज़्यादा सर्विस नहीं होती। तब ये स्टार है, फिलहाल आप देख रहे हैं ये स्टार इस टाइप का होता है, और इसमें क्या होता है, वो मैंने जो नट निकाले थे इस ड्रम में अटैच थे, तो ये जो स्टार है हमें इसे ओपन कर लेना है। मैंने नीचे भी इसमें जो है ऐसे डाला है जिससे कि ये गंदगी कट जाए, और इजीली तरीके से ये ओपन हो जाए बाहर की साइड। तो फिलहाल हम वेट करते हैं 15-20 मिनट, उसके बाद जो है हम दिखाते हैं अगर ओपन होता है ठीक है, वरना हमें तोड़ के निकालना पड़ा है। तो फिलहाल नहीं हुआ, हमने तोड़ दिया स्टार को, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने स्टार तोड़ दिया छेनिया तोड़ी की मदद से, और उसके बाद जो है ये निकल गया, क्योंकि वैसे नहीं निकल रहा था, हमने पिक वगैरह ले ली। जब आप लेंगे तो मॉडल नंबर से सीरियल नंबर से ले सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो फिलहाल इसको इस तरीके से आपको वहाँ निकाल देना है गियरबॉक्स को, थोड़ा ठोका पेटी करके, जिससे कि, और थोड़ा ध्यान रखना आपको ड्रम टूटना चाहिए, ड्रम की प्लास्टिक नहीं टूटना चाहिए, तो थोड़ा एहतियात रखना है, वरना पानी लीकेज होगा, बहुत दिक्कत आएगी बाद में। तो फिलहाल इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं, कि आप देख रहे हैं बाहर आ चुका है, और बाकी हम जो है इसको बाहर लेके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप छेनियों तोड़े इसकी मदद से हम इसको बाहर ले सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ तो होता है पर ज़्यादा टफ नहीं होगा। अगर आप थोड़ा दिमाग से करेंगे, पहले ऐसे डाल देंगे, इससे क्या होगा, अगर वैसे ही निकलता है तो ठीक है, वरना आप तोड़ के निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये देख रहे हैं आप, ये बाहर आ गया है, ये जो है इसमें लीकेज हो रहा था, साउंड कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसी वजह से ये दिक्कत आ रही कि बार बार जो है यहाँ पर मशीन जो है बहुत साउंड कर रही थी, पानी लीकेज हो रहा था, यही दिक्कत थी। इसकी बैरिंग ख़राब थी, प्लस इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बैरिंग लगा होता है, ये इस टाइप का होता है, जो नीचे एक ऊपर प्लेट पे लगा होता है, नीचे प्लेट पे लगा होता है, इसको राउंड करने के लिए जो गेयरबॉक्स होता है, जो हमारी मैकेनिज्म होता है, इसको जो है घुमाने के लिए बैरिंग का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, हमने इसका स्टार तो फिलहाल तोड़ दिया है, स्टार जो है इसमें फंसा होता है, स्टार बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, तो इसलिए तोड़ दिया। तो फिलहाल इसको हमें ओपन कर लेना है सारे नट, और इसकी जो एक चौकी टाइप होती है जो आप देख रहे हैं ड्रम पे रखी होती है, इसमें क्या होता है 8 नट लगे होते हैं, दो इस साइड, दो इस साइड, दो इस साइड और दो इस साइड। तो ये 8 नट 8 mm की गोटी से, 10 mm की गोटी से खुल जाते हैं, ठीक है। 10 mm की गोटी लेंगे, उसके साइज़ से खुल जाएंगे, और ये सारे खोल के उसके बाद जो है इसका स्टार जो है आप ऊपर ले लें। जब आप स्टार ऊपर ले लेंगे, उसके बाद आपको एक बैरिंग भी निकालना है, जो मैंने आपको बताया था कि इसके बैरिंग में ये फंस जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या, सारे जो नट हैं हमने ओपन कर रखे हैं, और उसके बाद जो है इसको हम प्लेट हटा देंगे, जो आपने जिस तरीके से हटाना है उसी तरीके से आपको फिट करना है, चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर ये नहीं खुलता है तो आप पेंचकस लेने उसकी मदद से आप उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा खुलने में दिक्कत होता है। तो आप क्या करें, एक पेंचकस ले लें, उसकी मदद से आप इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, देख रहे हैं आप, बहुत ईजीली तरीके से ये ऊपर आ गया। जब ये ऊपर आ जाता है, उसके बाद जो एक सील लगी हुई थी इसके ऊपर, आप देखें ये
ये सील होती है पानी के प्रोटेक्शन के लिए, पानी अंदर ना जाए उसके लिए यूज होती है। सील कट जाती है या घिस जाती है तब भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है नीचे की साइड। तो आप क्या करें, इस सील को इस तरीके से उठाएंगे, इसमें एक लॉक होता है वो फंस जाता है। जब लॉक फंस जाता है तो ग्रिपिंग एकदम टाइट हो जाती है, थोड़ा हार्ड खुलेगा वट पेज के से ही ये हट जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हटेगा। तो इस तरीके से आप इसको हटा सकते हैं। जब इस ये देख रहे हैं आप हट गई ये सील, उसके बाद एक बैरिंग रह जाता है इसके अंदर, वो बैरिंग कैसे हटाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। इस तरीके से आप बैरिंग हटाएंगे, ये जो देख रहे हैं आप गोली कट गई इसके अंदर की, तभी पानी आना स्टार्ट हुआ है, बैरिंग ख़राब हो गया, इसी वजह से ये दिक्कत आई थी। तो आप छेनी की मदद से हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे, ज़्यादा तेज नहीं मारेंगे वरना ये डेक चुनकी है टूट जाएगी ये। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो है बहुत ईजिली तरीके से आपको इसको मारना है, और उसके बाद जो है बैरिंग आपका निकल जाएगा। जब बैरिंग निकल जाए तो जाहिर सी बात है फिर आप उसी तरीके से आप फिट भी कर सकते हैं। वो फिटिंग का भी मैं तरीका बताऊंगा कि आप इसको फिट कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसका इस तरीके से आपको ओपन कर देना है, ये फिलहाल निकल गया, और उसके बाद जो है बैरिंग निकल गया, सील निकल गई, और इसका ये जो एक स्प्रिंग रह जाता है मतलब जो ऊपर लगा होता है वो भी निकल गया, जो बैरिंग की पत्ती होती है। तो फिलहाल इस तरीके से आपको ओपन कर देना हर एक चीज़। आप देख रहे हैं सील भी निकल गई और बैरिंग भी निकल गया। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ ओपन कर देना है।